चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज की डेट है 4 मई और अभी बज रहा है 7:45 शाम के। आज तो बहुत ज्यादा अंधेरा दिख रहा है यार, बहुत मतलब बाहर ऐसा लग रहा है कि बहुत रात हो गई है। और हाँ, 7:45 बजे तो लगता ही है, इतना मुझे क्यों ऐसा लग रहा है पता नहीं। और बहुत सी जगह पे बारिश हुई है मैंने सुना है, हमारे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है। न्यूज़ में सुना था कि बारिश हुई है बहुत सारी जगह पे। आप लोगों के यहाँ पे कैसे मौसम है ज़रूर बताना मुझे, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब दो बार नहाने से भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी पसीने छूट रहे हैं। और ये गए थे दूध का पैकेट लेने, इसी टाइम में मुझे ला के दे देते हैं क्योंकि इनको टाइम नहीं मिलता है। सुबह फिर वो ड्यूटी चले जाते हैं तो उसके बाद फिर बाहर से कुछ भी नहीं ला सकते, इसीलिए दूध के पैकेट्स वगैरह इस टाइम में लेके आते हैं वो। आने लगा पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो चलिए, आज ना मैं बनाने वाली हूँ गोलगप्पे। काफ़ी दिनों से सोच रही थी यार गोलगप्पे घर पे बनाऊँ, बट थोड़ा सा लग रहा था कि मुझसे मतलब होगा या नहीं होगा। काफ़ी दिन मतलब पहले मैंने एक बार गोलगप्पे बनाए थे तो फूल गए थे अच्छे से, बट बहुत टाइम लगता है उसे, क्रिस्पी भी बने थे, अच्छे बनते हैं बट बहुत टाइम लगता है, इसी वजह से ना जान पे आता है। तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं, ऑप्शन नहीं है कुछ भी, क्योंकि जब ऑप्शन होता है ना तो ऐसी चीज़ों में आलस करते हैं हम लोग, बट जब ऑप्शन नहीं होता है ना तो करना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि सूजी और आटे के गोलगप्पे बनाती हूँ मैं। बट वो मैंने बना के देखे थे उस टाइम, बहुत अच्छे बने थे, बहुत मतलब फूले भी थे, अच्छे बने थे। उसकी कुछ ट्रिक होती है बनाने की, तो वो मुझे आती है, सब कुछ आता है, बट ना जान पे आता है इतने सारे गोलगप्पे बनाओ और फिर खाने के टाइम पे जल्दी से खा लेते हैं हम लोग। फिर ना वो होता है कि यार इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद पेट में तो इतनी जल्दी जाते हैं, तो इसीलिए ना थोड़ा सा वो लगता है। बट आज ना मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज सोचा ऑप्शन नहीं है कुछ भी तो बनाना तो पड़ेगा ही, और काफ़ी दिन हो गए गोलगप्पे खाए नहीं है। तो चलिए फिर गोलगप्पे बनाते हैं और उसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। अद्वित, ये किसका है? देखो माही को भी अभी पता चल गया है, बाहर से ही सैनिटाइज करके लाती है माही सारी चीज़ों को। ये मेरा है मम्मा। किसका है, कौन सा? आप बताओ कौन सा चाहिए आपको। हाँ, वो कैसे है आपका? मिर्ची। और क्यों, ये क्यों है आपका? ये आपको क्यों चाहिए? ये भी ले सकते हैं आप तो। मैं ये मतलब कि आपको पूछा गया अभी। फिर आपको चाहिए ये मूछ वाला आपका? दिखाओ दिखाओ, यहाँ पे गीला है वो। अद्वी ये बताओ, ये कौन सा और ये कौन सा है? दो सेम है। सेम नहीं है वो। ये किसका? कौन सा लड़का और लड़की है बताओ? ये लड़की है। हाँ। ये लड़का है। हाँ। और ये मूछ वाला है। हाँ। और ये लिपस्टिक वाली है। ये मुझे चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर पानी के लिए सारा कुछ बना के रखा है, मतलब तैयारी करके रखी है पानी की, गोलगप्पे के पानी की। अद्विक, आपने मुंह थोड़ा सा टेढ़ा किया है। अद्विक, अरे वाह, नीचे थोड़ा सा माही नीचे। हाँ, अद्विक को मुंह छा गई। अद्विक को मुंह छा गई है ना अद्विक, दिखाओ। And it's all you need.
गाइज मैंने यहाँ पर गोलगप्पे के आटे के लिए लिया है 2 कटोरी के लगभग सूजी, बारीक सूजी है ये। और उसके बाद मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच क्या बोलते हैं अपना सादा आटा, गेहूं का आटा, 2 चम्मच गेहूं का आटा ऐड करना है। और उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है नमक, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। और उसके बाद हमें ऐड करना है उसमें क्या बोलते हैं गरम तेल। और गरम तेल ऐड करने के बाद आपको 2-3 चम्मच गरम तेल ऐड करना है उसमें। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में गरम तेल रख दिया था होने के लिए और वही मैं उसमें ऐड करूँगी। गरम तेल से क्या होता है कि अच्छे से क्रिस्पी आते हैं जो आपके गोलगप्पे होते हैं, क्रिस्पी आएंगे और जो पूरी जैसे नहीं बनते हैं, नरम से वो नहीं बनेंगे। और जो आटा हमने ऐड किया है उससे थोड़े से ब्राउन बनेंगे, नहीं तो अगर सूजी के आप बनाते हो तो इतने ज़्यादा ब्राउन नहीं बनते हैं, वैसे वो एकदम से वाइट वाइट दिखते हैं। तो इसी वजह से जो आटा हमने मिक्स किया है उसमें उससे ब्राउन बनते हैं, तो इसीलिए आटा मिक्स करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें को मिक्स कर लूँगी। मैंने 2-3 चम्मच उसमें ऑयल ऐड किया है, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं पानी से भिगो लूँगी उसे। तो आटा आपको जैसे आटा भिगोते हो आप वैसे भिगोना है थोड़ा सा, लेकिन आटा भिगोने के टाइम आप कम पानी डालते हो, बट इसमें ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना है आपको। यहाँ पर मैंने पानी गरम लिया है, एक्चुअली ये मग में इसीलिए लिया है मैंने पानी क्योंकि इसे माइक्रोवेव में गरम किया था मैंने। तो इतना ध्यान रखना है कि आपको इसे भिगोने के लिए गरम पानी ही यूज़ करना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। और बस अच्छे से भिगो लेना है इसे, मतलब आटा गूंद लेना है अच्छे से आपको। और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो गया है आप देख सकते हो, तो ये ना इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है ताकि ये सूजी जो है वो पानी खींच लेती है। थोड़ी देर के बाद ये पानी पूरा खींच लेगी, आप देख सकते हो ये पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर भी थोड़ी देर के बाद ना ये पानी खींच लेगी सूजी। और वैसे भी सूजी का जो गुण है वो वैसा ही है कि वो पानी जल्दी खींच लेती है। और आप देख सकते हो थोड़ी देर में ये आपको सादे आटे जैसा दिखने लगेगा। आप देख सकते हो इतनी जल्दी मैंने इतना सारा पानी डाला था तो वो सूजी ने खींच लिया है, और तो इस तरह से आटा बन जाएगा आपका। और बस इस तरह से थोड़ा सा गूंद लेना है आपको अच्छे से और आटा साइड में रख देना है। और ना आपको इसको ढकने के लिए आपको गीला कपड़ा चाहिए होगा, कोई भी कॉटन का गीला कपड़ा ले लीजिए। यहाँ पर मैंने अपना स्टोल ही ले लिया था, मुझे सूझ नहीं रहा था कि कौन सा कपड़ा लूँ, तो ये स्टोल जो है वो वॉश किया हुआ था, अच्छे से धोया हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसे गीला कर लिया और इससे ही इसे ढक लिया। तो ये स्टोल हमें बाद में भी काम आएगा। चलिए गोलगप्पे का आटा तो मैंने यहाँ पर भिगो दिया है और यहाँ पर जो कढ़ाई में तेल रखा था मैंने उसमें से ही गरम जो तेल डाला है वो है। इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड करना है और उसमें गोलगप्पे फ्राई करेंगे हम लोग। तो तब तक ये जब तक रेस्ट होता है तब तक मैं क्या करती हूँ, जो मैंने कपड़े वॉश करके रखे थे, जो शाम के नहाने के कपड़े जो है यहाँ पर वॉश करके रखे थे, तो वो चलिए हम लोग डाल के आ जाते हैं ऊपर टेरेस पे, बोल रही हूँ ऊपर वाले रूम में। माही वो लाइट ऑफ करो बेटा वहाँ का, यहाँ का भी लाइट ऑन नहीं किया है, सीढ़ियों का लाइट ऑन करो बेटा। हाँ चलिए फिर चलते हैं ऊपर, अब यहाँ का लाइट भी ऑन नहीं है। आजकल तो कपड़े मुझे 2-2 बार धोने पड़ रहे हैं यार, पहले सुबह सुबह के नहाने के होते हैं, फिर कभी कभी मैं बेडशीट भी धो लेती हूँ। ये यहाँ पर कल की बेडशीट है, कल मैंने बेडशीट धोई थी और फिर सॉरी कल नहीं यार सुबह ही बेडशीट धोई थी, सुबह एक ब्लैंकेट धोया था और बेडशीट धोई थी, तो एक वो पतला सा ब्लैंकेट है वो धोया था और ये वाली बेडशीट धोई थी, तो ये मैंने ऊपर ही डाल दी थी। ब्लैंकेट तो सूख गया था, दोपहर में लेके भी गए थे नीचे ओढ़ने के लिए थोड़ा सा, और ये ना ये ऐसे ही रहने दी थी यहाँ पे। तो ऐसे मैं कुछ ना कुछ वॉश करती रहती हूँ बीच बीच में, तो मुझे जैसे ही याद आता है, जैसे सोफ़े की कवर हो गई, ये हो गया, तो ये बीच बीच में वॉश करती रहती हूँ। मुझे जब भी याद आता है, अगर मैं सोफ़े पर बैठी हूँ और मुझे याद आ गया उसी टाइम मैं निकालती हूँ और धो लेती हूँ, तो नहीं तो फिर बाद में ऐसा होता है कि यार बाद में रख दिया तो फिर ना वो ध्यान से निकल जाता है, इसीलिए मैं उसी टाइम धो देती हूँ। इसीलिए कपड़े बहुत सारे निकलते हैं मेरे घर पे, और सुबह के नहाने के भी कपड़े आजकल धोने पड़ रहे हैं सुबह, और शाम के नहाने के भी अलग धोने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए 2 टाइम कपड़े वॉश करने पड़ रहे हैं। आजकल सबके घर में मशीन है इसी वजह से कुछ लगता नहीं है इतना, नहीं तो हाथों से धोने में तो कितना प्रॉब्लम होता था अगर हाथों से धोना पड़ता था तो। इसीलिए हम लोग इतने कपड़े निकालते हैं और वॉश करते हैं, बीच में भी निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी निकालते रहते हैं, तो मशीन की वजह से हम लोग निकालते हैं, अगर हाथों से धोना पड़ता तो हम लोग नहीं निकालते इतना और धोते भी नहीं हम लोग इतने।
चलिए डाल दिया है कपड़े, लाइट ऑफ करती हूँ यहाँ का, क्योंकि यूज नहीं है तो फिर फायदा नहीं है करने। चलिए नीचे चलते हैं, तब तक हमारा जो आटा है वो रेस्ट हो रहा है। जब तक हमारा आटा रेस्ट होता है तब तक मैं अभी पानी बनाने की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पर सारी चीजें निकाल के रखी है, तो इसका अभी पानी बनाने वाली हूँ। और हाँ, आलू भी बॉईल करने के लिए डालना है तो आलू भी बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने ना थोड़े से ज़्यादा आलू लिए हैं, क्योंकि माही बोल रही थी कि उसे पराठे खाने का मन कर रहा है आलू के, तो मैंने सोचा चलो दूसरे दिन इसके पराठे भी बन जाएंगे अगर आलू बच जाते हैं तो उसमें, तो इसीलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा ही आलू ले लिए। नाश्ते में इनके लिए पराठे बना दूँगी। सारे आलू को मैं बीच से काट रही हूँ ताकि ये जल्दी पक जाए। अगर बीच से काटते हो ना आप तो बहुत जल्दी पक जाते हैं आलू, अदरवाइज़ आप पूरा आलू रखते हो ना तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं आलू पकने में। तो इसीलिए मैं ना थोड़े से ज़्यादा आलू अगर रहते हैं ना तो मैं उसमें हाफ करके ही डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वॉश कर लिया है और पानी डाल दिया है, तो आलू की सीटियाँ भी हो जाएगी इधर, और फिर उधर ना मैं ये क्या बोलते हैं गोलगप्पे भी फ्राई कर लूँगी। और मेरे ना यार कुकर का प्रॉब्लम हो गया है, मतलब प्रॉब्लम मीन्स पता नहीं क्या हो गया इसे, तो ये ना जैसे रिंग हम सीधी लगाते हैं ना, मतलब जैसे एक बार यूज़ की फिर दोबारा एक बार, वो तो सीटी आती नहीं उसकी। अगर एक बार यूज़ की फिर उसको पलटा के दोबारा लगाना पड़ता है तो उसके बाद सीटी आती है उसकी, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। बट लॉकडाउन की वजह से ना उसे रिपेयर भी नहीं किया जा सकता तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, और फिर हरी मिर्च ली है, और काला नमक लिया है, और यहाँ पर नींबू पाउडर लिया है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होगी हमें इसके लिए, तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ले ली है और अभी उसे वॉश कर रही हूँ। एक्चुअली ये वॉश करके ही रखती हूँ मैं फ्रिज में, बट फिर भी वॉश कर ले रही हूँ दोबारा से। इन सारी चीज़ों को आपको मिक्सी के पॉट में डाल देना है, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा फिर नींबू पाउडर, और फिर सादा नमक। हम लोग ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे इसमें, और थोड़ी सी चीनी भी ऐड करनी है हमें, थोड़ी सी चीनी भी लगेगी इसके लिए, क्योंकि हम इसी में सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। सारी चीज़ें एक मिक्सी के पॉट में ही ऐड करने वाले हैं और फिर इसे ग्राइंड करने वाले हैं। बाद में आप टेस्ट करके देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कम हो गई, कौन सी चीज़ ज़्यादा हो गई। ज़्यादा तो होगी नहीं, थोड़ी सी कम ही डालनी है पहले, बाद में फिर आप ऐड कर सकते हो पानी में। तो इस तरह से आप थोड़ी सी ग्राइंड कर लो उसे, और अच्छे से चिकना पेस्ट बना लेना है इसका, मतलब थोड़ा सा पानी ऐड करके आपको इसे चला लेना है, और बस इसका पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपको वो पेस्ट उसमें पानी में ऐड करना है, और बहुत इजी है, बहुत ही आसान है ये पानी बनाना, और बहुत जल्दी भी बन जाता है एक्चुअली। बट बहुत टेस्टी लगता है, बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर आप घर पे बनाते हो तो, और हाइजीनिक भी रहता है। तो पानी ना हम लोग ज़्यादातर घर पे ही बनाते हैं। अगर पानी पूरी मीन्स पानी की पूरी जो है वो बाहर से भी लाए, पूरी या बाहर से भी लाई ना, मैं हमेशा पानी घर पे ही बनाती हूँ। हम लोग पानी कभी बाहर का लाते नहीं है, तो एक्चुअली अगर पानी पूरी हम लोग बाहर खाते हैं तो फिर तो बाहर का पीना ही पड़ेगा। अगर घर पे बनाते हैं तो घर पे ही बनाती हूँ मैं पानी। आपको एक पतीले में पानी ले लेना है, और ये जो पेस्ट है हमने बना लिया था वो उसमें ऐड करना है। तो इसे अच्छे से मिक्स होने के बाद आपको एक बार टेस्ट करके देखना है, तो अगर इसमें कुछ चीज़ कम हो गई या ज़्यादा तो नहीं होगी, कम हो गई तो फिर आप इसमें थोड़ी सी चीज़ वो ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं टेस्ट करके देखूँगी। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, सादा नमक। और हाँ, पहले ही मैंने कम डाला था नमक, तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया यहाँ पर, और देख सकते हो आप बहुत ही अच्छा दिख रहा है पानी देखने में, और ग्रीन दिख रहा है। आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, वो जो हमने पेस्ट ऐड किया था उसे छानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप डालते हो ना तो दिखने में भी अच्छा दिखता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो बिल्कुल छानिएगा मत, ऐसे ही डाल दीजिएगा, और बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाली रेसिपी मेरी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर मैंने साइड में पानी बना के रख दिया है, अब मैं पूरियाँ बेलने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो कढ़ाई मैंने रखी थी पहले, जिसमें से तेल मैंने उसमें ऐड किया था आटा गूंदने में, तो उसमें थोड़ा सा ही तेल मैंने पहले गरम किया था, तो उसमें मैं तेल ऐड कर रही हूँ ज़्यादा अभी,
जो आटा है हमारा जो हमने रेस्ट होने दिया था उसे मैं अच्छे से गूंद लूँगी ताकि इसकी जो पेड़े बनाऊँगी उसके बाद जो क्या बोलते हैं पपड़ियाँ बनाऊँगी तो वो बहुत अच्छे से फूलेगी। अच्छे से इसे गूंद लेना है आपको। यहाँ पर मैंने सारी मतलब आटा अच्छे से गूंद लिया है, उसके बाद जो गीला कपड़ा था उसे ही मैं यूज़ करूँगी अभी जो पूरिया है उसे रखने के लिए। तो गीला कपड़ा अच्छे से निचोड़ लेना है और उसके बाद उसमें उस पर पूरिया रखनी है आपको। तो यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ मैं बना लूँगी पहले और अच्छे से उसे बेल लूँगी। तो मैं ना कोई कोई क्या करता है बड़ी सी एक पूरी मतलब रोटी जैसा बना लेता है और उसे एक ढक्कन की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से एक छोटे से ढक्कन की हेल्प से उसे काट लेते हैं छोटे छोटे, बट मुझे ना वैसे पसंद नहीं है। और पसंद क्या एक्चुअली उस वैसे आप बनाते हो ना तो इतनी फूलती भी नहीं है पूरियाँ और फिर वो इतना अच्छी नहीं दिखती है तो और बड़ी भी नहीं बनती है अच्छे से। एक तो बड़े शेप का रहा ढक्कन तो बड़ी बनती है, छोटे शेप का रहा तो छोटी बनती है। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि कितनी साइज़ की बनानी है हमें और ये तो जल्दी जल्दी बन जाती है, वो ना इतनी अच्छे से जल्दी नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना के एक जैसे तेल लगा के बेल रही हूँ, बट एक साइड से बेलना है आपको, दोनों साइड से नहीं बेलना है इसे। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको एक साइड से बेलना है। एक साइड से अगर पूरी आप बेलते हो ना आप तो फूलती है वो, नहीं तो अदरवाइज़ आपकी पूरी फूलेगी नहीं है। फिर आप सोचोगे कि यार मेरी पूरी फूल क्यों नहीं रही है, तो वो है आप पलटाते हो बार बार उसी वजह से नहीं फूलती है आपकी पूरी। और यहाँ पर देखना आप मैं जैसे ही तेल में पूरी डालूंगी तो वो ऊपर आएगी अच्छे से फूली हुई पूरी। और सारी पूरी मतलब सारी नहीं बोल सकती हूँ मैं, कुछ पूरी मेरी भी चपटी हो गई थी मतलब पपड़ी हो गई थी और कुछ पूरी फूल गई थी, मतलब ज़्यादातर पूरी फूली थी मेरी बट कुछ तो पपड़ी निकलती है। वो तो हम बाहर से भी खरीद के लाते हैं तो वो बाहर लोगों के पास वो होती है पपड़ियाँ, तो ऐसा तो निकलता ही है। यहाँ पर देखो इतने सारे पपड़ियाँ निकली है और फिर बाकी के पूरी फूली हुई निकली है। और इसमें ना क्या है ट्रिक मुझे पता चली है कि मैंने बाद में किया था वो, तो इसे ना डालते टाइम आपको क्या करना है गरम तेल रखना है मतलब हाई फ्लेम पे रखना है और उसके बाद आपको कम फ्लेम कर देनी है तो आपकी पूरियाँ ना क्रिस्पी बनेगी। अगर आप हाई फ्लेम पे ही पूरी पूरियाँ तलोगे ना तो क्रिस्पी नहीं बनेगी, पूरी जैसी बन जाएगी नरम वाली। और अगर आप हाई फ्लेम पे पहले डालते हो तो पूरियाँ फूलेगी भी और फिर बाद में कम फ्लेम कर देना तो उसके बाद क्रिस्पी भी बनेगी आपकी पूरी। और ना थोड़ा सा आपको क्या करना है पूरी जैसे ही डालते हो ना उसे थोड़ी सी दबाना है ऐसे कुछ झारे वारे से, तो उससे क्या होता है कि आपकी पूरी अब फूलती है, पूरी की पूरी फूलेगी, एक भी आपकी चपटी नहीं बनेगी मतलब पपड़ी नहीं बनेगी। तो इसी तरह से ये ट्रिक तो मैं मुझे पता चली है अभी जैसे बनाते हैं हम लोग, बनाते बनाते आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग ही जाता है कि आपको कैसे बनाना है। देखो पसीना पसीना हो गई यहाँ पे और ये ले लिया है मैंने, और इनका रिएक्शन देखते हैं अभी। पहली बार बनाया यार, फैन ऑफ करो माही दो मिनट के लिए क्योंकि आवाज आएगा इसमें से। अभी मैं इनका रिएक्शन देखती हूँ कि पहली बार बनाया है यार, मतलब पहली बार मतलब आप पहली बार खाओगे मेरे हाथों से बना हुआ। एक मिनट ये दिखा, ये पकड़ो पकड़ो पहले नहीं तो गिर जाएगा। और अभी खा के दिखाना मुझे कैसा बना है पहली बार। ये देखो ये पकड़ो, पानी तो मैं हमेशा बनाती हूँ, पानी की तो गारंटी है कि पानी अच्छा ही बना होगा, बट ये पूरिया नहीं यहाँ पर। एक मिनट ना, ये देखो आवाज आ रहा है ना, क्रिस्पी बने है ना क्रिस्पी। आलू लो, आलू लो, हाँ दूल्हा पण देते। माही आप भी खा के बताओ बेटा। टेस्टी बना यार। अरे ये लो ये लो, ये मैं डालती हूँ। थोड़ा सा ज्यादा लगा, ज्यादा थोड़ा सा लगा
अरे हमें तो ऐसे नमक चाहिए, आप कहाँ खाते हो ये? आलू में या इसमें? आलू में नमक डाला मैंने तो मम्मा ये कभी खाते नहीं है पानीपुरी, जैसे कि मैंने आपको पानीपुरी के वो चैलेंज में बताया था, पानीपुरी ये कभी नहीं खाते हैं। थोड़ी सी अभी एक दो खाएंगे इसमें से, और इनके लिए मैंने मसूर की दाल बनाई है। आज इनको सजा है, मतलब सजा नहीं, इनकी पसंद की है एक्चुअली, बट ऐसे कोई स्पाइसी सब्जी नहीं बनाई है, सादी मसूर की दाल बनाई है, बट इनको वो भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने जल्दी से बन जाती है तो वही बनाई है। अभी ये खाना खाएंगे और हम लोग पानी पूरी खाएंगे। चलो लो ना बेटा। अब मेरी बारी है। अब इसमें डालो। मैं आप तो बताओ बेटा। बहुत टेस्टी है। इधर आओ, इधर आप दिख नहीं रही हो इसमें, इधर आओ। मम्मा पानी कैसे बनी है बताओ? बहुत अच्छी है। पानी 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 तो इसे, ये देखो कैसे कर रहा है, नहीं बहुत दिखा रहे ना, तो इसे उसे पानी दो, वो सादा आलू भर के दो उसे। आलू भर के दिए तो खा नहीं रहा आज भी, पानी मत पी बताइए वाला। चलिए अभी फिर हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। चले गए, डिनर हो गया है, मतलब डिनर तो इन्होंने किया है, मतलब हम लोगों ने सिर्फ वो खाया है पानी पूरी। बट मुझे हंसी इस चीज़ की आ रही है कि आपको क्या बताऊँ, मतलब जो बचा था ना, जो गोला मतलब बहुत सारा मैंने भिगोया था ना, तो थोड़े से मैंने वो पानी पूरी बनाई और इनको खिलाई, फिर उसके बाद फिर मैं आ गई दोबारा से पानी पूरी बनाने के लिए। फिर इतना सारा गोला जो बचा था, तो मुझे इतनी मेहनत लगी उसमें, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने कान पकड़ लिए अभी कि मैं इसके बाद पानी पूरी कभी घर पे नहीं बनाऊंगी। कभी घर पे मैं बोल रही है कि मम्मा कुछ भी करना बट पानी पूरी मत बनाना अभी इसके बाद, क्योंकि इतनी मेहनत लगी यार उसके लिए कि आपको क्या बताऊँ। फ्राई भी करना पड़ा और बेलना भी पड़ा, उसमें ना बहुत सारा टाइम निकल गया मेरा, और फिर खाने का मन भी नहीं कर रहा था, बट हम लोगों ने खाया, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरा ना बिल्कुल मन निकल गया था उसमें से खाने का। अब इसके बाद तो मैं कभी घर पे पानी पूरी नहीं बनाऊंगी। मेहनत बहुत है यार पानी पूरी बनाने में, मेहनत बहुत है। जिनको आदत है उनके लिए कुछ नहीं है, बट जिनको आदत नहीं है ना उनके लिए बहुत मेहनत लगती है। बट कुछ नहीं, मेहनत तो करना चाहिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बट ये हुआ कि अच्छी बनी है पानी पूरी, अच्छी बनी थी, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेहनत बहुत लगती है उसमें। दो लोग चाहिए उसके लिए, एक बेलने के लिए और एक फ्राई करने के लिए, तब जाके आपकी पानी पूरी सही से बनेगी। और सही से मीन्स क्या बोलते हैं, तो आपको खाने का मन करेगा, अदरवाइज आपको खाने का मन नहीं करेगा वो, क्योंकि ऑयल से ना वो हो जाता है कि मन निकल जाता है उसमें से खाने का, और फिर उसके बाद खाने का मन नहीं करता। तो माँ ही बोल रही थी कि मम्मा आपने बहुत मेहनत की, इसके बाद कभी भी मत बताना और हम लोग बाहर से लेके आएंगे। तो वैसे तो बाहर से लेके आते हैं, बट लॉकडाउन में क्या क्या करना पड़ रहा है आप सोचो, इस लॉकडाउन ने क्या क्या सिखा दिया है हमें करना। मतलब कभी हम लोगों ने पानी पूरी घर पे नहीं बनाई होगी, सब लोग पानी पूरी घर पे बना रहे हैं और बहुत मेहनत लगती है पानी पूरी बनाने में। तो चलिए फिर, नाम लेने का टाइम आ गया है, बहुत लेट हो गया है आज। ये पानी पूरी के चक्कर में ना अभी बज गए हैं 11:15 बजे है, ये खेल रहे हैं क्रिकेट और मस्ती कर रहे हैं बच्चे, और मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ मेरे क्या हाल हुए हैं। मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी कि ये कब खत्म होगा, मैं बेलती जा रही थी और फ्राई करते जा रही थी, मैं सोच रही थी कि कब ये खत्म होगा और कब मुझे चैन की सांस लेने के लिए मिलेगा। तो चलो अब इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, नाम लेने का टाइम आ गया है तो नाम ले लेती हूँ। नाम लेने से पहले मैं किसी को विश करना चाहूंगी, करिश्मा नील ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, उनकी बेटी का आज बर्थडे है और वो चाहते थे कि मैं उनकी बेटी को विश करूँ, तो हैप्पी बर्थडे डियर हेजल, उनकी बेटी का नाम हेजल है, उनकी बेटी का आज बर्थडे है और ये ब्लॉग कल जाएगा, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे डियर है। और नाम ले लेती हूँ, यहाँ पर माही का काम है आज, तो माही भी आ गई है। तो आज का फर्स्ट नाम है तन्वी रावल और सेकंड नाम है दीपाली राक्षे, ने रिक्वेस्ट की है उनकी बेटी का नाम लेने के लिए, बट वो भी माही के मुंह से, तो इसी वजह से मैंने माही को यहाँ पर बुला लिया है। और वो चाहती थी कि माही उनकी बेटी का नाम ले, तो उनकी बेटी का नाम है अद्वेता, माही अभी लेगी उनकी बेटी का नाम और कुछ मैसेज भी देना चाहती है माही उनकी बेटी को। बोलो माही। हाय अद्वेता, कैसे हो आप? घर पे रहना, सेफ रहना और बार बार हैंड वॉश करते रहना। थैंक यू माही।
आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा माही के मुंह से सुन के कुछ मैसेज। और चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।